नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की। बड़वानी में आज नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ समस्त पार्षद कांग्रेस भाजपा के बड़वानी कलेक्ट्रेट पहुँचे। कलेक्ट्रेट पहुँचकर कल जो दिशा निर्देश, नवीन दिशा निर्देश फल सब्जी किराना और दूध डेयरी संबंधित दिए गए, जिसमें नगर पालिका की भूमिका बताई जा रही है। वहीं लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा अध्यक्ष एवं पार्षदों को मोबाइल लगाकर बार बार इस सुविधा के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे पार्षद को कोई उक्त इस संबंध में जानकारी नहीं थी कौन किसे क्या बनाया गया है वार्ड में प्रभारी। इसी समस्या को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया और आवेदन में यह भी बताया है कि कई गरीब वर्ग भी इस कोरोना महामारी के कारण परेशान है, जिससे प्रशासन की सहायता मांगी गई और प्रशासन को शीघ्र कहा गया है कि इस नवीन व्यवस्था में हमें भी सहभागी बनाकर सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चालू किया जाए, जिससे जनता परेशान ना हो। और इसी संबंध में नेता प्रतिपक्ष नंदराम कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान, पार्षद शंकर बिलवाल, मिथुन यादव और अन्य पार्षद इस समय मौजूद थे। देखिए, कल जो कमेटियाँ बनी थी, वॉलंटियर वगैरह बनाए थे, उसको लेकर के पार्षदों से कोई जानकारी नहीं ली। मैं पार्षदों से पूछा और उन्होंने ऐसे लोगों को बना दिया जो बच्चे हैं, समझदार नहीं हैं और न वार्ड का की पूरी जानकारी है। तो इसी को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कि बड़वानी नगर में जो परिस्थितियाँ बन रही है उससे कैसे लड़ा जाए, कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए। दूसरा क्या है कि गरीब लोगों को, जो लोग फंस गए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको भी अनाज देना और राशन देने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो भी नहीं टाइम से दे रहे हैं। इसी को लेकर आज हम यहाँ मिलने आए थे। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को वॉलंटियर और वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिस काम के लिए किए गए हैं, उनके मोबाइल बंद आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सीएमओ का मोबाइल बंद आ रहा है, सारे नगर पालिका के जिम्मेदार कर्मचारी मोबाइल बंद करके, तो जनता के द्वारा नगर पालिका के पार्षद आप लोगों को फोन लगाया जा रहा है। नहीं, मेरे पास तो सारे पार्षदों के मोबाइल आते हैं समस्या के लिए, और मैं तो स्वयं कहीं जा नहीं सकता। ये जो नई व्यवस्था की है उसके लिए जनता की ओर से आपको कुछ कॉल आया है क्या? नहीं आया ना, जनता के लिए तो आया ना, राशन के लिए आया, किससे बात करें हम। इसके बाद में पार्षदों के पास गया, कब कौन से, कब किसको कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और कब खुला रहेगा, इसके लिए मेरे पास बार बार मोबाइल आ रहा है। तो मैं सीएमओ को बता रहा हूँ, सीएमओ को मोबाइल बंद आ रहा है। प्रशासन क्या भरोसा लेके आए हैं आज हमारे बड़वानी नगर के सारे पार्षद और अध्यक्ष जी के साथ में? बड़वानी नगर में जो कल प्रशासन के द्वारा जो समितियाँ बनाई गई है, मैनेजमेंट समितियाँ, वो समिति में सिर्फ अधिकारियों को लिया गया है और जनप्रतिनिधि जो कि वार्ड के पार्षद है, सारी जानकारियां हैं पार्षदों को, उनको एक को भी इस समिति में नहीं लिया गया है। अब अधिकारियों को ऐसी जानकारी पूरी तो नहीं है वार्ड की कि भाई कौन कहां पर रह रहा है, कौन भूखा है, कौन गरीब है, कौन मजदूरी करता है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसी मैनेजमेंट समिति जो प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, हम उसके संबंध में मिलने के लिए आए थे। और आज कलेक्टर साहब भी नहीं है और न SDM साहब है, न अपर कलेक्टर साहब है, कोई भी यहाँ पर जवाबदार व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक संयुक्त कलेक्टर महोदय है, उनके द्वारा हमने अवगत कराया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं कलेक्टर साहब से आपकी बात पहुँचाऊँगी। साथ ही हमारे पास डेली फोन आ रहे हैं कि कहाँ पर हमको ये अनाज मिलेगा, कहाँ पर हमारे खाने की व्यवस्था होगी, ऐसे पार्षदों के पास डेली फोन आ रहे हैं। किंतु अब हमारे पास आते हैं फोन तो हम किससे बात करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। और प्रशासन मतलब इस प्रकार से लापरवाही बरत रहा है। हमारा ये प्रशासन से निवेदन है कि भाई पार्षदों को विश्वास में लेकर मीटिंग करते और बड़वानी नगर की व्यवस्था जो मैनेजमेंट समिति है उसमें पार्षदों की भागीदारी होना थी। ड्यूटियाँ लगाई गई है, उनका कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, हम उनको फ़ोन भी लगा रहे हैं तो उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं। CMO साहब का भी वर्तमान में फ़ोन बंद है। तो ऐसे में कैसे किस प्रकार से इस कोरोना वायरस से हम निपट पाएंगे? बड़वानी में वैसे भी आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि बड़वानी में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है,
सेंधवा में 4 मरीज हो चुके हैं, किंतु अभी हमारे बड़वानी की बहुत खुशकिस्मत है कि अभी बड़वानी में एक भी मरीज नहीं है, तो हम उससे बचा जा सके। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिनको खाने को नहीं मिल पा रहा है, राशन खत्म हो गया है, उनको उस राशन की व्यवस्था की जाए इस प्रशासन के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा की गई है। टीवी पर डेली संबोधन हो रहा है कि गरीब जो बेचारे मजदूर हैं उनको निःशुल्क अनाज प्रदान किया जाएगा, तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि उसकी खाने की व्यवस्था करें, पार्षदों को विश्वास मिले। मैम, कोई पार्षद और अध्यक्ष आए थे समस्या लेके, तो मैम इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसे परेशानी से दूर किया जाएगा? देखिए, अध्यक्ष जी ने कुछ एक ग्रेवियंसेस जो है अपने ज्ञापन में लेखबद्ध किए हैं कमेटी गठन को लेकर, तो उनकी जो भी मंशा है उससे हम कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे और ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय की जानकारी। प्रशासनिक तंत्र जो है, जो फ़ोन नंबर अवेलेबल करवाए गए हैं वो कह रहे हैं क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है, लेकर के देखिए इस संबंध में मैं अभी कोई भी जानकारी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम ज्ञापन लेने का था, संबंधित अधिकारी इसमें आवश्यक है।